BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है कि BCCI के पास इतना पैसा है कि वो ICC के सभी फैसलों को कंट्रोल करता है। लेकिन एक वक्त था जब BCCI इतनी गरीब थी कि उनके पास अपने प्लेयर्स को रिवॉर्ड मनी तक देने के पैसे नहीं थे। ये बात है 1983 की, जब कपिल देव की कैप्टनसी में इंडिया ने वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। उस वक्त BCCI इतनी गरीब थी कि वर्ल्ड कप के टाइम वो अपने प्लेयर्स को डेली अलाउंस भी नहीं दे पा रही थी। उसके बाद BCCI ने एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचा और बोर्ड के अध्यक्ष NKP सालवे ने इसी मुश्किल के हल के लिए लता मंगेशकर से मदद मांगी। उन्होंने लता दीदी से रिक्वेस्ट की कि वो BCCI के लिए एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करें। दीदी ने इसे बहुत जेनरसली एक्सेप्ट किया। फिर BCCI ने दिल्ली में लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कराया। ये म्यूजिक इवेंट टोटली सोल्ड आउट था। टिकट की सेल और एडवर्टीजमेंट से 20 लाख रुपए इकट्ठा किए गए। इसके बाद जाकर खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। अपने इस कॉन्सर्ट के लिए लता जी ने बोर्ड से कोई भी फीस नहीं ली थी। बोर्ड ने भी लता दीदी की इस जेनरोसिटी को याद रखा। BCCI ने तो ये प्रस्ताव किया कि लता जब तक जीवित रहेंगी भारत के हर एक स्टेडियम में मैच देखने के लिए उनके लिए एक सीट रिजर्व रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।